मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्री प्रसाद जी का 115वां जन्मदिवस वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट बांदा सांसद आर के सिंह पटेल और क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, पूर्व मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल मुख्य अतिथि रहे और वहीं पर बड़े भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया। साथ ही इसमें समस्त प्रकार के कोविड के नियमों का ध्यान रखा गया है। जनपद बांदा से नत्थू पटेल की रिपोर्ट। इनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। वो एक महान क्रांतिकारी थे, अद्भुत विभाग के धनी थे, माननीय विधायक थे, जिला पंचायत सदस्य थे और उनकी प्रेरणा से विद्यालय ये यहाँ पर चल रहा है। और इस विद्यालय से पता नहीं कितने सारे विद्यार्थी पढ़ लिख करके आगे तरक्की करके विभिन्न पदों पर आसीन हुए हैं। इस विद्यालय को सजाने संवारने की आवश्यकता है। इस विद्यालय में उनका उत्सव मनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को मैं करते हुए नमन करता हूँ। संसद जी, किसी भवन का भी निर्माण का वो किया गया है क्या यहाँ लोगों? आज यहाँ माननीय विधायक जी ने विधायक जी से एक सभागार का निर्माण कराया है, तो उसका लोकार्पण हुआ है। सामने उनके नाम से भारतीय जी के नाम से सभागार का निर्माण किया गया है और उसका लोकार्पण आज किया गया है। माननीय जी की श्रीमार साहब, माननीय यहाँ के प्रबंध के लोग और सभी लोगों के सहयोग से आज उसको पूरा कराने का काम किया। सांसद जी, ये बाईपास पढ़ी वाली का उसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे, बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। विधायक जी, ये बताइए आज आप कहाँ पर हैं? यार, ये काम सबको मालूम के निहातू में है। तो किस प्रकार का कार्यक्रम? कार्यक्रम जो कैप्टन मधुप साहब इंदिरा कॉलेज निहातू में है, आदरणीय कैप्टन मधुप साहब की पुण्यतिथि है, जन्मोत्सव है और डॉक्टर राम सिंह भारती जी भी कार्यक्रम उन्हीं के आज याद में हम लोग आए हुए हैं और प्रतिवर्ष इसका जमाना है। एक बड़े हर्ष की बात है, कम से कम एक बार तो यहाँ नाम लिया जाता है और इसी उत्सव में हम लोग। विधायक, यहाँ किसी भवन का भी वो किया गया है क्या? उनका पिछले साल मैंने 15 लाख रुपये दिया था। अच्छा, जो राम से नहीं भारतीय मेमोरियल हॉल के नाम से उसके बन गए, उस लोकार्पण किया हम लोग। ये पल्हरी और ये विद्यालय की सड़क जो बाईपास है, इसमें क्या कहना है? देखो, पल्हरी जो पल्हरी वाली बात है वो विभिन्न राजंश वृद्धि की है, राज्य सरकार भेज दी, जैसे हो खत आगे तो बना। माननीय, मेरे सामने एक विनती आपसे करना चाहता हूँ। का कार्यक्रम किया जा रहा है ये संस्था जिनके नाम पर संचालित है, कैप्टन बद्री प्रसाद जी का जन्म दिवस हर वर्ष 11 जनवरी को वार्षिकोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। तो सर, आज जो है जो कार्यक्रम संपन्न हुआ तो इसके मुख्य अतिथि कौन रहे? इसके मुख्य अतिथि हमारे बबेरू क्षेत्र के विधायक माननीय श्री चंद्रपाल जी कुशवाहा रहे। उन्हीं के द्वारा ये इस विद्यालय में 2 वर्ष पहले 15 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी, जिससे कि एक बड़े हाल का निर्माण हुआ है, उसी का आज लोकार्पण किया। क्या सर, यहाँ सांसद जी का भी आगमन था क्या? जी, यहाँ पर इस बार सांसद महोदय, चूँकि वो इस विद्यालय से बड़ा लगाव रखते हैं, हर वर्ष आते हैं। तो सर, उसका लोकार्पण, सर जो हाल बना हुआ है इसका लोकार्पण सर किसने किया है? इसका लोकार्पण माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है, माननीय सांसद महोदय की गरिमामयी उपस्थिति। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज चक्रवर्ती है, मैं इस संस्था का प्रधानाचार्य हूँ और चूँकि COVID-19 की गाइडलाइन का पालन करना था, इसलिए बहुत सीमित संख्या में उपस्थिति रखी गई यहाँ और लगभग सभी प्रकार के मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रम कराया। धन्यवाद। पटेल, मैं प्रदेश संस्थान अध्यक्ष बांदा, अपना दल इस प्रदेश में। ये कॉलेज में क्या कोई प्रोग्राम था क्या? आज हमारे जो मिलातू में कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज के नाम से है, ये कॉलेज 50 वर्ष पुराना है। इस पर एक उनकी जयंती का कार्यक्रम था 11 जनवरी को, हर वर्ष कार्यक्रम होता है, इसी तरह इस वर्ष भी 11 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है। लगभग कितने सालों से मनाया जा रहा है?
ये लगभग जब कैप्टन साहब गुजर गए उसके बाद से हर वर्ष मनाया। ये कौन सा आपका जन्मदिवस मनाया गया? और 115वां जन्मदिवस मनाया गया। और ये जो आप हाल में खड़े हैं ये उन्हीं के पुत्र श्री राम सनेही भारती जी के नाम से हाल है बनवाया गया है, जिसका आज उद्घाटन माननीय आर्के सांसद चंद्रपाल विधायक बबेरू जी ने किया है, और उन्हीं के निधि से, चंद्रपाल विधायक जी के निधि से ये हाल का निर्माण हुआ। आप किस पार्टी के सदस्य हैं? मैं अपना दल ऐसे प्रदेश में